वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम्स हेल्प। मैं सना सैफी आपके लिए लेकर आई हूँ MCES 014, जिसका टाइटल है सिस्टम एनालाइजिंग एंड डिसीजन। यह हमारा हैंडन असाइनमेंट है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ गेट एग्ज़ाम नोट्स, गेस्ट पेपर एंड हेल्प बुक्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप हमें उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका MCES 014 का हैंडन असाइनमेंट। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका क्वेश्चन पेपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका असाइनमेंट। ये हमारा असाइनमेंट है, आप देख सकते हैं कि हमने अपने असाइनमेंट में A4 साइज शीट का यूज़ किया है। आप प्लीज़ अपने असाइनमेंट में A4 साइज शीट का ही यूज़ करें और अपने असाइनमेंट में ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करें, वो बॉल होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका आंसर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपने इस वीडियो को पोस्ट करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आपको ये हैंडन असाइनमेंट पसंद आ रहा होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपने आंसर को लिखते जाइए ताकि आपको आसानी हो लिखने में, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको ये असाइनमेंट समझ आ रहा होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। यहीं तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपने इस वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को भी लिख सकते हैं। यहीं तक हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपनी इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपना आंसर को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहीं तक हमारा MCES 014 का हैंडन असाइनमेंट कम्प्लीट हो चुका है। यदि आपको इसका हैंडन असाइनमेंट चाहिए तो हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करते हैं। अब हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप हमें उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर न्यू वीडियो का अपडेशन चाहिए आपको तो हमारे इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।